प्यारे विद्यार्थियों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंस के टर्म को सीखेंगे। इसका नाम है हेजिंग इन फॉरेक्स मार्केट। पिछले जो हम मैंने टर्म बताई थी, हेज फंड तथा हेजिंग इन फॉरेक्स मार्केट, ये बिल्कुल भिन्न टर्म्स हैं। हेजिंग इन फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपने रिस्क को कम करना, रिस्क ऑफ लॉस को कम करना। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपने SBI में अपना फॉरेक्स अकाउंट खोला है, फॉरेक्स अकाउंट खोला है, और आप $1 को खरीदते हो। मान लो कि आप ए हो और आपने $1 को खरीद लिया, बाय कर लिया। जब उसकी कीमत थी 45 रुपये, आपने इस बेस पे इसको बाय किया कि फ्यूचर में इसकी कीमत 47 रुपये हो जाएगी, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 47 रुपये मान के आपने $1 को 45 रुपये का खरीद लिया। मान लो कि उस डॉलर की कीमत, जो अपना आपका जो $1 है उसकी जो वैल्यू है रुपीस में, रुपीस अप्रिशिएट हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है रुपीस की और डॉलर कम हो जाती है। मान लो कि यदि यह 44 रुपीस हो जाए तो आपको लॉस होगा, ₹1 का आपको लॉस होगा इसमें। और क्योंकि आप चाहते थे ये 47 रुपये का होगा, पर 47 रुपये का हुआ नहीं, तो इस लॉस को कम करने के लिए आप एक ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मान लो कि आपने एक सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर के लिए, आपने $1 सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल आपने वही डॉलर फ्यूचर में जो 45 रुपए का है, फ्यूचर में 44 रुपए बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया SBI फॉरेक्स अकाउंट के जरिए। तो अगर आपका 47 रुपये नहीं होता और 44 हो जाता है, तो आपको यहाँ ₹1 का लॉस है, लॉस ऑफ ₹1। पर दूसरी तरफ आपको, क्योंकि 44 रुपये सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, 45 का जो अभी लिया है, वो आपको ये सोच कर लेते हो कि आपका 44 रुपये हो जाएगा, तो आपको ₹1 प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट। तो हेजिंग के जरिए हम अपने लॉस को मिनिमम करते हैं, जिसमें हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारे लॉसेस कम से कम हों। चाहे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, चाहे हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।